एक पत्नी के अंदर प्रेम इतनी बुरी तरह से फूटा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और अपने ससुर को मारकर उनकी सफ़ेद गाड़ी में हरिद्वार रोड पर छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक पत्नी इतनी निर्दयी बनी और उसने ऐसा कृत्य कर डाला। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तराखंड के देहरादून के जयपुर थाना क्षेत्र के तपोवन कॉलोनी की। तपोवन कॉलोनी के अंदर प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है जिसकी उम्र 60 साल है और आज से 20 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वह पीछे से यूपी के बुलंदशहर के सबलपुर गांव का रहने वाला है और यहां आकर तपोवन कॉलोनी में बस गया है और यहीं पर उसका परिवार रहा करता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम राजेश है, जिसकी फिलहाल उम्र 34 साल है। उसकी 5 बेटियां थी और 5 बेटियों की उसने शादी कर दी है। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है और उसके बेटे की बहू का नाम, उसके बेटे की पत्नी का नाम होता है दीपिका, जिसकी फिलहाल उम्र 32 साल है। उनका एक 8 साल का बच्चा भी है, लड़का। दोस्तों, दीपिका और राजेश की मुलाकात कॉलेज में पढ़ते वक्त हुई थी। दोनों में दोस्ती होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है और राजेश को लगता है कि दीपिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वह दीपिका से शादी कर लेता है। उन दोनों की शादी सन 2007 में हुई थी। दोस्तों, आराम से यह परिवार रह रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और फिर क्या होता है, एक दिन अचानक जो दीपिका है उसका पति जिसका नाम राजेश है और उसका जो ससुर होता है प्रेम सिंह, वह अपनी सफ़ेद गाड़ी से अपने पैतृक गांव के लिए घर से रवाना होते हैं। पैतृक गांव कौन सा है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सबलपुर गाँव की तरफ वह घर से रवाना हो जाते हैं। शाम हो जाती है लेकिन उसके पति का फ़ोन उसके पास नहीं आता है। वह अपने पति राजेश के पास फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन मिलता नहीं है। उसके बाद वह अपने ससुर के फ़ोन पर फ़ोन करती है तो वह भी नहीं मिलता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब वह परेशान हो जाती है कि मेरे पति और मेरे ससुर आखिर गए कहाँ हैं, उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद वह उनके पैतृक गाँव में फ़ोन करती है तो वहाँ पर पता चलता है दीपिका को कि उसके पति और उसका ससुर गाँव में भी नहीं पहुँचे हैं। अब वह परेशान हो जाती है और फिर वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि मेरा पति और मेरा ससुर अपने पैतृक गांव गए थे अपनी सफ़ेद गाड़ी में और ना ही अभी वहां तक पहुंचे हैं और ना ही उनका फ़ोन मिल रहा है। दोस्तों, पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और छानबीन में जुट जाती है। अब क्या होता है, पुलिस देहरादून से हरिद्वार रोड पर गश्त लगा रही थी तो रात को उनको एक गाड़ी सड़क के पास खड़ी हुई मिलती है। वह उस गाड़ी में झांक कर देखते हैं तो उस गाड़ी के अंदर 2 लाश पड़ी हुई थी। उन लाशों को देखा जाता है तो उनके गले पर चाकू से वार किए गए थे और उनके शरीर पर भी बहुत सारे वार चाकू से किए गए थे। अब पुलिस पता लगाती है कि आखिर यह लोग कौन हैं तो गाड़ी का नंबर पुलिस लेती है और दूसरी बात, गाड़ी को भी किसी ने जलाने का प्रयास किया गया था। अब पुलिस गाड़ी का नंबर लेती है और फिर नंबर प्लेट से पता लगाती है कि यह गाड़ी किसके नाम है तो वह गाड़ी दीपिका के नाम थी। अब दीपिका के पास पुलिस पहुंचती है और वहां पर बताती है कि 2 लोगों की मौत हो गई है तुम्हारी गाड़ी से। अब दीपिका समझ जाती है कि उसका पति और उसका ससुर मर चुके हैं। वह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगती है। डेड बॉडी को देखने के लिए जाती है तो और जोर जोर से रोने लगती है। अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि कैसे किस तरह से पता लगा जाए कि इनको किसने मारा है। उसके बाद पुलिस जब कॉल डिटेल चेक करती है राजेश का तो राजेश की CDR वगैरह निकालती है तो पता चलता है पुलिस को उस टाइम जिस टाइम दीपिका ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरा पति सुबह 9 बजे का घर से गया है और शाम होने तक भी नहीं वहां पर पहुंचा है। तो उस टाइम राजेश का जो फोन की CDR है, लोकेशन है, वो दीपिका के घर में ही बोल रही थी। दोस्तों, पुलिस अब दीपिका से डायरेक्ट जवाब नहीं करती है और पुलिस उस छोटे से बच्चे जो 8 साल का है दीपिका का, उससे पूछती है क्या तुम्हारे पिता तो उस टाइम यहीं पर थे जब तुम्हारी माँ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उनकी गुमशुदगी की। तो वह बेटा ऐसे बोलता है जैसे एक तोते को रटा दिया जाता है। वह कहता है कि मैंने अपने पापा से बाय किया था और वह सुबह ही 9 बजे यहाँ से निकल गए थे। लेकिन पुलिस के मन में एक विचार उठने लगता है कि कोई ना कोई तो गड़बड़ यहाँ पर है कि उसकी फ़ोन की लोकेशन राजेश की घर पर ही बोल रही थी और फिलहाल उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस इधर उधर पता लगाती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो दीपिका है ये अपने पति से बहुत झगड़ा किया करती थी और इनके घर में कोई व्यक्ति आया करता था, उसको लेकर इनके घर में रोज़ महाभारत हुआ करता था। अब पुलिस डायरेक्ट दीपिका को नहीं उठाती है क्योंकि उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस दीपिका की कॉल डिटेल्स और CDR लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल लेती है तो पुलिस को पता चलता है कि दीपिका
कि उसी रात जिस रात उसके पति और उसके ससुर की मौत हुई थी, उसी रात एक राजेश नाम के व्यक्ति से बात हुई है और बहुत देर तक बात होती है, कई बार दिन में फ़ोन से बातें होती हैं। उस व्यक्ति का पता लगाया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम होता है राजेश, जो कि वहाँ पर ठेकेदारी का काम किया करता था। उसकी उम्र थी 24 साल और वह पीछे से दिल्ली का रहने वाला था। अब पुलिस तुरंत राजेश को उठा लेती है और अब दीपिका को भी उठा लिया जाता है पूछताछ के लिए। उनसे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में जब पुलिस उनके सामने सबूत रखती है कि तुम दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, कोई ना कोई मामला तुम दोनों ने ही निपटाया है। अब दोस्तों जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह लोग यहाँ पर बखान करने लगते हैं और वह बताते हैं अपनी सारी सच्चाई। अब यहाँ पर दीपिका बताती है कि मेरे पति ने शादी के बाद मेरे लिए एक परचून की दुकान खुलवा दी थी, यानी कि किराने की दुकान खुलवा दी थी। मैं किराने की दुकान पर रहकर सामान बेचा करती थी। मेरा पति बाहर कमाने के लिए जाया करता था। घर के अंदर मेरा ससुर भी रहता था और हमारा 8 साल का बच्चा भी रहा करता है। अब क्या होता है, उस दुकान पर जो योगेश होता है, जो कि ठेकेदारी लिया करता है, वह उस दुकान पर सामान लेने के लिए एक दिन आता है। तो जैसे ही वह दीपिका की तरफ नज़र घुमाता है तो दीपिका उसको बहुत खूबसूरत लगती है। दीपिका सुंदर ही इतनी थी। अब जो योगेश होता है उसके मन में यह बात चढ़ जाती है कि अब वह दीपिका को अपनी बनाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दीपिका से वह बार बार मिलने की कोशिश करता है लेकिन बात यहाँ पर नहीं बनती है। अब क्या होता है, योगेश दीपिका के पति राजेश से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती करने के बहाने वह उनके घर में आने जाने लगता है। अब दीपिका को भी पता था कि योगेश उसकी तरफ इशारे कर रहा है और दीपिका का भी उसके ऊपर मन आ जाता है, क्योंकि योगेश 24 साल का था, जवान था और सुंदर भी बहुत था। अब दोनों की नज़रें मिल जाती हैं तो योगेश अब पीछे से भी दीपिका के घर में आने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चालू कर देते हैं। एक बार जब संबंध बनते हैं तो अब यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो जाता है। रोज़ रोज़ योगेश आता दीपिका के घर में और दीपिका के साथ संबंध बनाता और फिर वहाँ से चला जाता। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अभी तक दीपिका के पति को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन क्या होता है, दीपिका और योगेश दोनों घर के अंदर एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, तभी दीपिका का पति राजेश वहां पर आ जाता है और अपनी पत्नी को और उस योगेश को नग्न हालत में अपने कमरे के अंदर संबंध बनाते हुए देख लेता है। इस पर वह बहुत ज़ोर से भड़कता है और योगेश को भी खरी खोटी सुनाता है और अपनी पत्नी के ऊपर पिटाई लगा देता है और उससे कह देता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया था और तुमने मेरे विश्वास को इस तरह से तोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दीपिका जो होती है बेशरम हो जाती है। उसका पति उससे मना करता है लेकिन फिर भी अब वह घर में तो योगेश से मुलाकात नहीं हो पाती है। अब वह बाहर जा जाकर योगेश से मिलने लगती है, बाहर जाकर योगेश के साथ प्रेम प्रसंग प्रेम लीला करने लगती है और अब बाहर के लोगों को भी पता लगने लगता है कि दीपिका योगेश के साथ किस तरह से घूमती है। अब यह बात पूरे इलाके में फैल जाती है और फिर बाहर के लोग उसके पति राजेश से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो योगेश के साथ इधर उधर घूमती है, मौज मस्ती करती है। अब दोस्तों राजेश जो होता है अपनी पत्नी को फिर से डांटता है, धमकाता है, लेकिन दीपिका कहाँ मानने वाली थी, वह तो बेशरम हो चुकी थी। अब तो वह खुलेआम योगेश के साथ घूमने लगती है, खुलेआम उसके साथ रात को जाने लगती है, होटलों में ठहरने लगती है। इस बात को लेकर उन दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ करता है। एक दिन राजेश अपने घर में दूसरे कमरे में लौटा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी अब उसके साथ सोती भी नहीं है, वह अलग कमरे में अपने बेटे को लेकर सो जाया करती है। उसको अपना पति दुश्मन दिखाई देने लगता है। इसी तरह से राजेश अपने कमरे में एक दिन लेटा हुआ था और वह सोचने लगता है कि जब हमने एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम में, तो यह मुझसे कितना प्यार करती थी और आज यह मुझे धोखा दे रही है, आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो दोस्तों वह अपने कमरे से उठता है, दीपिका के कमरे में जाता है और उसके ऊपर पिटाई लगाने लगता है। अब दीपिका उससे ये कह देती है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इस बात को लेकर उसका पति बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है और उनके बीच में फिर से झगड़ा होता है। दोस्तों अब दीपिका उसके साथ बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती है। वह योगेश के पास फ़ोन करती है जैसे उसकी पिटाई लगाई जाती है और योगेश से कहती है कि मैं अब बहुत झेल चुकी हूँ, अब इस तरह से मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करो जो मैं इस अपने पति से छुटकारा पा जाऊं। तो उसका जो प्रेमी होता है योगेश, वह कहता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा देते हैं, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और इस तरह से रास्ते से हटाएंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अब दोस्तों प्लानिंग तैयार कर ली जाती है और जो योगेश होता है अपने साथ दो लोगों को साथ लेता है, गोलू और बबलू। उनको ऑफर देता है कि तुम्हें हम 5 लाख रुपये देंगे इस काम को करने का। उसके बाद गोलू और बबलू तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रात रात में ही लखपति बनने का चांस था। उसके बाद क्या होता है, दीपिका अपने पास से 50,000 रुपये देती है योगेश को। योगेश उन पैसों को गोलू और बबलू को दे देता है काम होने से पहले और कहता है कि बाकी काम होने के बाद में हम तुमको देंगे।
अब दोस्तों क्या होता है, मौत की प्लानिंग पूरी तैयार कर ली जाती है। रात का समय होता है, उसका पति अपने कमरे में सोया हुआ था। दीपिका अपने प्रेमी योगेश के पास फोन कर देती है। योगेश उन दोनों साथियों को लेकर उसके घर पर पहुंचता है। दीपिका दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलने के बाद योगेश और उसके दो साथी घर के अंदर आते हैं। उसका पति सोया हुआ था, उसके पति के गले में रस्सी डाली जाती है और रस्सी को खींचा जाता है। जैसे ही उसका दम घुटने लगता है राजेश का, तो वह एकदम से जग जाता है और तड़फड़ाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इतने में ही योगेश उसके मुंह पर हाथ रख देता है उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए। और फिर दोस्तों दीपिका अंदर से एक चाकू लेकर आती है, उसको योगेश के हाथों में थमा देती है। और फिर क्या होता है, वह अपने पति के पैरों को पकड़ लेती है और बबलू और जो गोलू होता है वह उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और योगेश उस चाकू से राजेश के गले को काट देता है और उसके शरीर पर बहुत सारे चाकू से वार करता है। जब उसका शोर शराबा होता है तो वहाँ पर जो दीपिका का ससुर होता है प्रेम सिंह, वह जाग जाता है और वह उस कमरे में आकर देखता है तो उसके बेटे की हत्या की जा रही थी। दोस्तों अब जो मारने के लिए आए थे योगेश और उसके साथ दो दोस्त और वह दीपिका, ससुर को मारना तो नहीं चाहते थे लेकिन यहाँ पर उनकी पोल पट्टी खुलने का डर हो गया था। अब वह ससुर को भी अपने अंदर कमरे में खींच लेते हैं, उसके ऊपर भी चाकुओं से वार करते हैं, उसके गले को भी काट दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद जब दोनों मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी को एक कंबल में और चादरों में लपेट कर उन्हीं की गाड़ी जो सफ़ेद गाड़ी होती है उसमें लिटाकर और योगेश वहां से उनको लेकर फरार हो जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, योगेश उनको देहरादून और हाईवे रोड पर ले जाकर रात के समय में उसको गाड़ी को छोड़ देता है। गाड़ी के ऊपर आग लगाने की कोशिश करता है लेकिन आग लगती नहीं है। जब आग नहीं लगती है तो वह उनको छोड़कर वहीं पर फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस को वह गाड़ी मिलती है और यह सारी घटना यहाँ पर खुल जाती है। तो दोस्तों पुलिस योगेश और उन दोनों लोगों को, गोलू और बबलू और दीपिका को अरेस्ट करती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी पत्नी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, जिसने अपना हंसता खेलता परिवार इसके की आग में झोंक दिया। उसका पति था, उसका ससुर था जो कि पिता समान था, उसके ऊपर खूब लाड़ प्यार करते थे, उनका एक बच्चा भी था 8 साल का, यानी कि घर गृहस्थी अच्छे से चल रही थी। लेकिन एक बेवकूफ़ी की वजह से उस औरत ने अपना परिवार तहस नहस कर दिया और खुद अब अपने प्रेमी के साथ जेल में रहेगी और उनका जो मासूम सा 8 साल का बच्चा था अब वह किसके सहारे जिएगा, उसको कोई रखने के लिए तैयार भी नहीं होगा क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा कृत्य किया था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसी औरतों के बारे में और ऐसे झूठे प्यार के बारे में। वो प्यार प्यार नहीं होता जो लोगों की जिंदगियां छीनने की कहता हो, प्यार तो वो होता है जो लोगों के घरों को बसाता है, लोगों को बसाता है, लोगों को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, उसको प्यार कहते हैं। इसको तो सिर्फ हवस कहते हैं जो लोगों को मारना जानता हो, अपने घरों को तबाह करना जानता हो, यह प्यार नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ हवस होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और इस प्यार नाम के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें क्योंकि आजकल प्यार को हवस से तोला जाता है, प्यार की आड़ में हवस को पूरा किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।